इसके बाद हम जो है इस्लामाबाद में मार्गा हेल ट्रेन फाइव में बैठे हैं और आज हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए थे कुछ टाइम के लिए और बच्चे भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ आए थे। इस वाले में जब हम इधर आए हैं जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो वॉशरूम में बच्चा गया, उसने देखा है कि लेडीज वॉशरूम में एक पर्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 16,000 से ऊपर रकम मौजूद थी, उसके अलावा काफी कार्ड मौजूद थे। जब उसने मुझसे बात किया तो हमने बकायदा इंतजामिया से रब्ता किया और इंतजामिया जो यहाँ वाइल्ड लाइफ की इंतजामिया थी बिल्कुल वो उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, उन्होंने अपने जो ऑफिसर थे उनको बुलाया। तो ये आपके सामने नजर आ रहे हैं अफिसर, ये वहाँ से पैदा कहीं दूर से आए हैं। जब हमने इनके हवाले किया तो इन्होंने कहा कोशिश पहले नंबर पे ये करते हैं कि जो जिसका कार्ड है जिसका पर्स है उसको देखा जाए ढूंढा जाए। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे ये चला दिया कि पर्स हमें मिला है जिसमें कार्ड ATM और काफ़ी कीमती चीज़ें हैं। जब हमने एड्रेस देखा तो फैसलाबाद का, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी लाभ हुई कि हम फैसलाबाद में कैसे उनसे रब्ता करें। खैर थोड़ी सी हमने कोशिश की तो एक विजिटिंग कार्ड जिनका था मोहम्मद मनीर उनका नाम था, उनका विजिटिंग कार्ड उसके अंदर मौजूद था, उसमें 3 नंबर थे जिसमें एक नंबर बंद था, 2 पर रब्ता किया गया तो वो शुक्र है मिल गए। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना जो कार्ड है अपने पैसे हैं वो बिल्कुल ले लिए हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आपको इनका सामान मिल गया, ये पिंडी आए थे फैसलाबाद से, ये हमारे मेहमान थे, हम चाहते थे इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। देखा तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपको आप फर्क भूल गए थे तो शायद आपको इल्म भी नहीं था तो आपको मिल गया, आप चीज़ें आपकी पूरी हैं, कोई किसी किस्म का कोई गिला तो नहीं है अभी। बहुत मेहरबानी मुनीर साहब, अरे फैसलाबाद से मेरा कहना कि आप ट्रैक पे आए अपने दोस्तों के साथ तो वापस जाने लगे तो मगरब के टाइम का जो है वो नमाज का वजू के तकाजे के लिए वॉशरूम के लिए गए, वहाँ पर्स जो है वो निकाल के रखा पिक करना भूल गए तो हमें नहीं पता कि पर्स कहाँ मेरे पास है भी या नहीं है। मस्जिद में चले गए, वहाँ बैठे रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम वापस जा रहे थे तो इन्हीं की ऑफिस से कॉल गई मुझे कि आपका पर्स फलां नंबर है फलां है। फिर हम फ़ौरन आए वहाँ पर देखा तो उस वक्त मैंने अपनी पॉकेट में देखा कि मेरे पास पर्स नहीं है, उसमें क्रेडिट कार्ड भी थे, हेल्थ कार्ड्स थे और कैश भी था। तो मेहरबानी की इन्होंने वो जो ना कॉल की और उसमें सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तमाम पैसे भी कार्ड भी सारे काम मिल गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीडिया ग्रुप से हैं, मीडिया से हैं कुछ लोग और ये वाइल्ड लाइफ के टीचर्स हैं, इनकी बड़ी मदद जी बिल्कुल। इसमें मैं ये भी बता दूँ कि ये वाइल्ड लाइफ वाले हैं, ये भी बकायदा दूसरे अपने दफ्तर से आए हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे से तआवुन किया, हमें बिठाया, इन्होंने कहा जी हम रिसीव कर लेंगे कल, आप ये ना कहें किसी को मिला कि नहीं मिला, कोशिश करें कि उन्हीं को बुलाया जाए। और बकायदा इन्होंने हमारे से टाइम किया और ये छुट्टी इनका टाइम हो चुका था, जा चुके थे, फिर भी ये दोबारा आए, इन्होंने इनके हैंड ओवर कर दिया और अभी इनको सारा सामान मिल चुका है फोन इनके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।